क्या आप अपनी डिलीवरी में ठंडा पानी पी रहे हैं या आप गर्म पानी पी रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको ठंडा पानी पीने चाहिए, गर्म पानी पीने चाहिए या रूम टेम्परेचर का पानी जो है वो आपको कंज्यूम करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिलीवरी के बाद में आपको किस तरीके का पानी कंज्यूम करना चाहिए, कितना पानी कंज्यूम करना चाहिए और आखिर पानी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन क्यों हो सकता है आफ्टर डिलीवरी। मेरा नाम है दीक्षा और आप मुझे देख रहे हैं मॉम किड एक्सप्रेस पर। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि आखिर डिलीवरी के बाद में पानी क्यों आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, बॉडी जो है वो 70% वाटर से बनी हुई होती है। वाटर जो है अलोन बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हील करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है, इसीलिए पानी को एडिक्वेट क्वांटिटी में कंज्यूम करना काफ़ी ज़रूरी है। और डिलीवरी के बाद में जितना ज़्यादा महिलाएं जो पानी कंज्यूम करती हैं उतना ज़्यादा ही उनका ब्रेस्ट मिल्क बनता है और ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी भी अच्छी होती है। इसीलिए अगर आपको मिल्क सप्लाई कम है, आपको इस प्रॉब्लम से आपको जूझना पड़ रहा है, तो प्लीज़ अपना वाटर इंटेक को थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिए। मिनिमम आपको 2 से 3 लीटर पानी जो है वो ज़रूर पीना चाहिए। डिलीवरी के बाद में, स्पेशल इसी सेक्शन के बाद में, लेडीज़ को गैस का प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो सकता है। अगर आप पानी अच्छे से कंज्यूम करते हैं तो आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होती। साथ ही साथ अगर आपको गैस का प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं यहाँ पे एक और टिप दे देती हूँ, आप थोड़ा चलते फिरते रहिए। अगर आप एक जगह बिल्कुल टाइटली बैठ गए हैं तो आपको गैस की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। अगर आपके डॉक्टर ने बिल्कुल आपको बेड रेस्ट करने के लिए बोला है तब आप डेफिनेटली बेड रेस्ट कीजिए, लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने नहीं बोला है तो प्लीज़ थोड़ा चलते फिरते रहिए, इससे भी आपकी गैस की समस्या जो है वो काफ़ी कम हो सकती है। डिलीवरी के बाद में आपके चेहरा जो है वो बहुत डल हो जाता है, वो ग्लो जला जाता है, स्किन उतनी सॉफ्ट नहीं लगती। तो अगर आप पानी जो है वो ठीक से कंज्यूम करते हैं तो आपको इन सारी समस्याओं से निजात पाने में बहुत आसानी होती है, आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। इवन आपके जो स्ट्रिच मार्क्स आपके पेट पे आ गए हैं वो भी बहुत जल्दी से हील होते हैं अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेशन अच्छे से देते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिकली बेनिफिट्स हैं गर्म पानी के या गुनगुने पानी के, तो वो तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि आखिर आपको क्यों ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप ठंडा पानी कंज्यूम करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ठंडे पानी के साथ ये होती है कि ये आपकी बॉडी को जल्दी से रिकवर नहीं होने देता। ये इसके साथ में काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज होती है, डिलीवरी वेट जो है वो भी ज़्यादा बढ़ता है। देखिए, प्रेगनेंसी में लेडीज़ का वेट गेन होता है, लेकिन कुछ लेडीज़ का वेट जो है वो आफ्टर डिलीवरी गेन होता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। लेकिन अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपका ये वेट गेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए पोस्ट डिलीवरी आपको जो है वो ठंडा पानी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ठंडा पानी जो है वो आपके बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं होता, और अगर आपके एरिया में बारिश का सीज़न है या फिर सर्दियों का सीज़न है तो ऐसे में अगर आप ठंडा पानी कंज्यूम करेंगे तो आपको जुकाम खांसी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे और साथ ही साथ आपके बच्चे को भी इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो देखने को मिल सकती हैं। बॉडी से टॉक्सिन्स निकालना बहुत मुश्किल होता है जब भी आप ठंडा पानी कंज्यूम करते हैं, वहीं अगर आप गर्म पानी पी रहे होते तो ये जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी से बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से फ्लश आउट हो जाते हैं। इवन जब आप गर्म पानी पीते हैं तब आपकी बॉडी में जो फैट है वो स्टोर नहीं होता है, और प्रेगनेंसी में जो भी आपने एक्स्ट्रा वेट जो गेन किया होता है उसको भी श्रेड करने में, उसको भी कम करने में काफ़ी हेल्प होती है जब आप गुनगुना पानी जो है वो कंज्यूम करते हैं। साथ ही साथ अगर आप गुनगुना पानी कंज्यूम करते हैं तो आपको बहुत जल्दी आप हील हो जाते हैं, आपको रिकवर होने में कम टाइम लगता है, आपके चेहरे पे एक अलग ग्लो दिखाई देता है। गुनगुना पानी जो है वो आपके बच्चे के लिए भी अच्छा रहता है, बच्चे को भी कोई सर्दी जुकाम खांसी इस तरीके की समस्या नहीं होती अगर आप गुनगुना पानी जो है वो कंज्यूम करते हैं। एटलीस्ट आपको 2 महीने के लिए तो गुनगुना पानी ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। अब यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे बहुत सारी मान्यता है कि आपको गुनगुना पानी जो है वो अजवाइन के पानी से पीना चाहिए या जीरा वाटर पीना चाहिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें चलती हैं। सबसे जो फेमस है, जो मैंने सबसे ज़्यादा लोगों से सुना है, दैट इज़ जीरा वाटर, जीरा गुनगुना वाटर। ओके, तो ल्यूकोम वाटर अगर आपको जीरे का लेना है तो इसके अपने आप में ही बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं चलिए हम जानते हैं। दोस्तों, जीरा वाटर जो होता है वो मिल्क सप्लाई को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। मार्केट में जितने भी सप्लीमेंट्स आते हैं, जितने भी पाउडर्स आते हैं आफ्टर डिलीवरी आपको दिए जाते हैं जिससे कि मिल्क सप्लाई बढ़ती है, बच्चे का पेट अच्छे से भर पाए, इसलिए आपको कुछ कुछ पाउडर्स लेने पड़ते हैं। कई पाउडर्स में जीरा जो है वो मेन इन्ग्रीडियंट होता है।
जीरा बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट है अगर आपको लो मिल्क सप्लाई का प्रॉब्लम है, तो आप जीरा पानी अगर आप इंक्लूड करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये बेनिफिट होगा। दूसरा, अगर आपने कभी भी वेट लॉस के रिगार्डिंग वीडियो देखा होगा तो आपने हमेशा सुना होगा जीरा वाटर एम्प्टी स्टमक आपको काफ़ी फ़ायदा करता है। जीरा वाटर आपको थ्रू आउट द डे आपको बहुत बेनिफिट करता है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आपका जो एक्स्ट्रा वेट गेन हो गया है उसको भी कम करने में जीरा वाटर आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे काफ़ी सारे इश्यूज जो है वो नए नए क्रिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको हो सकता है प्रीवियसली कभी भी आपको बीपी का इशू, ब्लड प्रेशर का इशू, कोलेस्ट्रॉल का इशू ना रहा हो, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिली होगी। स्पेशली बीपी का प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन होता है प्रेगनेंसी में अकर होने का, तो अगर आप जीरा वाटर लेते हैं पोस्ट डिलीवरी तो आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल ये भी कम होता है। इवन अगर आप जीरा वाटर को एम्प्टी स्टमक लेते हैं लाइक बाद में भी, आपकी डिलीवरी के बाद भी आप इसको लाइक सालों तक भी यूज़ करते हैं, तो इसका एक रिसर्च में काफ़ी देखा गया है कि ये हार्ट की प्रॉब्लम्स को भी कम करने में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे गेस्टेशनल या जेस्टेशनल जो भी आप कहना चाहें, जेस्टेशनल डायबिटीज़ का भी खतरा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और काफ़ी कॉमन होता है, बहुत सारी लेडीज़ को हो भी जाता है। तो अगर आप और ऐसी लेडीज़ को बाद में लाइक प्रेगनेंसी के बाद में टाइप 2 डायबिटीज़ होने का भी खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अगर आप जीरा वाटर लेते हैं तो आपको डायबिटीज़ होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करके रखता है। और जीरा वाटर जो होता है ना वो आपके हार्मोन्स को भी कंट्रोल करने में, हार्मोन्स को भी बैलेंस करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इस तरीके से जीरा वाटर के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो इसीलिए आई हाईली 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 रिकमेंड कि आप गुनगुना पानी पिए, हो सके तो जीरा पानी पिए। लेकिन अगर आप जैसे कि ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ सर्दियाँ नहीं हैं, या फिर आपकी डिलीवरी गर्मियों के टाइम हुई है मई जून में, और आप बिल्कुल भी पानी नहीं पी पा रहे हैं गुनगुना, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप जीरा पानी पहले सुबह सुबह गर्म करवा के रख लीजिए और उसको ठंडा होने दीजिए रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा हल्का सा गुनगुनाओ, मतलब लाइक ल्यूकवॉर्म से भी आप ठंडा ले सकते हैं लेकिन रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा हो वैसा पानी आप पी सकते हैं। आपको पीने में नहीं लगेगा कि ये गर्म है, बस आपको ऐसा लगेगा कि धूप में रखा हुआ पानी। आप समझ गए होंगे मैं कैसे टेम्परेचर के बारे में बोल रही हूँ, तो वो जो धूप में रखा हुआ वाला पानी का टेम्परेचर होता है वो आप आराम से पी सकते हैं, आपको पीने में भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको बेनिफिट भी इसके पूरे के पूरे मिलेंगे। तो आप इस तरीके से पानी का टेम्परेचर जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठंडा पानी बस उससे आप दूर रहिए, फ्रिज का पानी, घड़े का पानी ये आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है। कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर इट विद जिनकी भी अभी नई नई डिलीवरी हुई है उनके साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस इन्फॉर्मेशन को जान पाए। इस वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।